और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि पहली बार जम्मू कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद आमने सामने हैं। 7 मई को अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान है। गुलाम नबी आजाद पहले ही अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, वहीं महबूबा मुफ्ती अब मैदान में उतर चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास मोहम्मदाबाद जाकर अंसारी परिवार से मुलाकात की और उनकी मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की, लेकिन इस मुलाकात के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। जहां एक तरफ अखिलेश ने मुख्तार की मौत पर योगी सरकार को निशाना साधा, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो ये तस्वीर आपको कल के दिखा रहे हैं, जिस वक्त मुख्तार अंसारी के घर पर अखिलेश यादव पहुंचे थे। हालांकि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी जैसे तमाम नेता जो है वो मुख्तार के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन जिस वक्त अखिलेश यादव पहुंचे उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर है। इतना ही नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप जो है बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव पर लगाया जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ने मुख्तार की मौत पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए, और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है, और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी। माफियाओं से रिश्तेदारी है, अपना रिश्तेदारी निभावे, हमारी माफियाओं से दुश्मनी है। हम माफिया की अपराधी गुंडे जमीन पर कब्जा करने वाले, मकान पर कब्जा करने वाले, दुकान पर कब्जा करने वाले, अपहरण करने वाले, इस प्रकार का जो अपराध करने वाले हैं उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई कर। मुख्तार अंसारी की भले ही अब मौत हो चुकी है, लेकिन पूर्वांचल में मुख्तार की अहमियत को देखते हुए नेता उनके घर पर पहुंच रहे हैं। मुख्तार के यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य, असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। और आखिरकार मुख्तार के फाटक पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पहुंच ही गए। ये होती है वोट की मजबूरी। मुख्तार के जनाजे में उमड़ी भीड़ और उसके बाद उनके घर शोक जताने के लिए जाने वालों की तादाद ने अखिलेश के साथ ही राजनीतिक दलों को सक्रिय कर दिया है, और नेताओं की सक्रियता का सीधा संबंध पूर्वांचल के मुस्लिम वोटों की लड़ाई से है। ये पूर्वांचल की वो सीटें हैं जिस पर मुख्तार का असर रहा है। जौनपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर और बस्ती, ये वो 6 सीटें हैं जिन पर मुख्तार का सिक्का चला करता था। इन 6 सीटों पर मुख्तार का एक इशारा ही काफी था। मुख्तार का एक इशारा ही किसी भी पार्टी की बंपर जीत की गारंटी था, और मुख्तार का एक इशारा ही किसी भी पार्टी की जमानत जब्त करवाने के लिए काफी था। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि मुख्तार को माफिया मानने वाले भी उतनी ही संख्या में हैं जितना उसे मसीहा मानते हैं। मुख्तार की मौत के बाद भी लोग अंसारी परिवार के साथ खड़े हैं, जिसकी तस्दीक मुख्तार के जनाजे में उमड़ी भीड़ कर रही थी। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से ही सियासी दलों के नेताओं का मुख्तार के घर आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। अखिलेश ने मुख्तार के बड़े भाई अफजाल को लोकसभा प्रत्याशी भी बनाया है। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता था। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लहर होने के बावजूद मुख्तार अंसारी ने जीत अपने नाम कर ली थी। इस चुनाव में मुख्तार अंसारी ने बीजेपी के सहयोगी दल के प्रत्याशी महेंद्र राजभर को 6,464 वोटों से करारी शिकस्त दी थी। इस चुनाव से ठीक पहले मुख्तार अंसारी ने कौमी दल एकता का विलय बहुजन समाज पार्टी में करा दिया था। इसका फायदा यह हुआ कि मुख्तार अंसारी को कुल 96,411 वोट मिले थे, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी
बीजेपी के सहयोगी दल सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र राजभर को 79,947 वोट मिले थे। अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं मुख्तार के गाजीपुर में मोहम्मदाबाद स्थित घर फाटक पर कौन कौन हाजिरी लगा चुका है। 31 मार्च को सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। इसके बाद उसी शाम को असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार के घर पहुंचे। 1 अप्रैल को धर्मेंद्र यादव ने मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की और मुख्तार की कब्र पर भी पहुंचे और 7 अप्रैल आते आते सपा के मुखिया अखिलेश यादव मोहम्मदाबाद पहुंच गए। अब इन 4 तस्वीरों को देखिए, ये 4 तस्वीरें यूपी और खासकर पूर्वांचल में मुख्तार की ताकत बयान करती है। तस्वीर नंबर 1, मुख्तार के घर पर पहुंचने वाले सबसे पहले सियासतदान थे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की सपा से अलग होकर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई है और उन्हें फिलहाल जनाधार की दरकार है। तस्वीर नंबर 2, मुख्तार के आवास फाटक पर पहुंचने वाले दूसरे सियासतदान थे असदुद्दीन ओवैसी। मुस्लिम समुदाय के बीच आधार तलाश रही AIMIM प्रमुख की इस पहल को लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में खासी चर्चा है। ओवैसी ने कृष्णा पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल कमीरावादी के साथ पिछड़ा दलित मुस्लिम यानी PDM के नाम से न्याय मोर्चा लॉन्च किया है। अभी हाल तक अपना दल कमीरावादी सपा के साथ था। मुख्तार के आवास पर पहुंचने की ओवैसी की टाइमिंग गजब की थी। ओवैसी मुख्तार के घर देर रात उस वक्त पहुंचे जब रोजाना लोग तरावी की नमाज के बाद फाटक यानी मुख्तार के घर पर एकजुटता दिखाने के लिए भारी संख्या में मौजूद होते हैं और वहां मुख्तार की मौत के लिए ओवैसी ने यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है। ओवैसी की मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की तस्वीर आने के बाद 1 अप्रैल होते होते सपा नेता और अखिलेश यादव के खासम खास धर्मेंद्र यादव भी मुख्तार के घर पहुंच गए। धर्मेंद्र यादव ने सिर्फ परिजनों से मुलाकात नहीं की बल्कि वो मुख्तार की कब्र पर भी पहुंच गए। और अब सबसे ताजा तस्वीर अखिलेश यादव के मोहम्मदाबाद पहुंचने की है। मैं परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूं और इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिल करके जा रहा हूं। परिवार का दुख बांटने और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। देखिए, अखिलेश यादव ये जानते हैं कि मुख्तार को माफिया मानने वाले भी उतनी ही संख्या में हैं जितने उसे मसीहा मानते हैं और यही वजह है कि मुख्तार के फाटक पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पहुंच ही गए।